गुड इवनिंग एफएलपी, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम मनदीप कंबोज है। फिरोजपुर एक बहुत छोटी सी सिटी है पंजाब में, मार्टियर्स लैंड बोलते हैं, बहुत पवित्र धरती मानी जाती है। हुसैनी वाला बॉर्डर कुछ लोगों को पता होगा, मे बी पाकिस्तान बॉर्डर, बहुत रिमोट एरिया है। मैंने वहाँ से अपनी स्कूलिंग की, वहाँ से बीकॉम की, ड्रीम्स बहुत बड़े थे। आई रिमेंबर कई बार मेरे टीचर्स कहते थे इट्स नॉट पॉसिबल। बीकॉम कंप्लीट की, बीकॉम के बाद मैंने अपने टीचर्स से गाइडेंस मांगी कि मेरे को आगे क्या करना चाहिए, तो जो गाइडेंस उन्होंने दी अपनी, मे बी उनकी अपनी सोच के अकॉर्डिंगली, मेरे को लगा कि मैं उससे काफ़ी ज़्यादा कर सकता हूँ। आई प्लान टू कम टू चंडीगढ़, क्योंकि वहाँ पे पंजाब में सबसे ज़्यादा जो एडवांस जगह है दैट इज़ चंडीगढ़। वहाँ मेरे को लगा मैं एक अलग सोसाइटी में जाऊँगा, वहाँ लोगों को देखूँगा, ज़्यादा ग्रो हो सकता हूँ। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में थे, काफ़ी अच्छी पोस्ट, सुपरिटेंडेंट थे मेरे फादर साहब सॉयल कंजर्वेशन में, गजटेड पोस्ट। वो हमेशा चाहते थे कि मैं लाइफ में उनसे भी आगे ग्रो करूं, बहुत ज़्यादा पढ़ूं। मेरे बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे, कई बार प्लान किया फॉरेन चला जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स। मैं जब किसी स्पोर्ट्स कार को देखता था, किसी ने फरारी ली, किसी फिल्म स्टार ने, किसी ने वो ली, तो मैं कई बार कहता यार ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। बट जो फ्रेंड्स होते थे वो कहते इज़ इट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। जब मैं आसपास देखता था तो लगता था कि हाँ इंडिया में इट इज़ नॉट पॉसिबल, बहुत डिफिकल्ट है। वो टाइम निकलता गया निकलता गया, आई डिड एमबीए, आई फील वेरी लक्की, आई डिड एमबीए फ्रॉम पीसीटीई, वन ऑफ द टॉप 10 इंस्टीट्यूट इन इंडिया। वहाँ से एमबीए की तो बहुत ज़बरदस्त गाइडेंस मिली, उन्होंने एक चीज़ की क्लैरिटी दी कि यू नीड टू डू अ जॉब से फॉर 4-5 ईयर्स, बट उसके बाद यू नीड टू डू अ बिजनेस। जॉब करो आप 2-4-5 साल के लिए, बट उसके बाद अपना बिजनेस करो अगर आपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो मैंने उस चीज़ को बड़ा डीपली अंडरस्टैंड किया। जॉब मैंने बड़ी अच्छी कंपनीज में की, आई स्टार्टेड माय करियर विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, देन मेटलाइफ, देन एआईजी, बड़े अच्छे अच्छे टॉप ब्रांड, टॉप एमएनसीज, उनमें एज ए रीजनल हेड पूरा पंजाब में हैंडल करता था, पंजाब पूरा नॉर्थ, पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू, बहुत फैंसी डेजिग्नेशन था, बहुत पावरफुल डेजिग्नेशन था, बड़ा अच्छा लगता था। बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली उसके दौरान, बहुत सारी ट्रेनिंग्स, क्योंकि मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहता था। बट मन के अंदर एक चीज़ चल रही थी कि बिजनेस, तो बिजनेस जब मैं देखता था तो उसके लिए मेरे को नज़र आता था बहुत बड़ा सेटअप चाहिए। आई फील अगेन वेरी 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 लक्की कि मैंने पीसीटी से एमबीए की, क्योंकि वहाँ हमें मर्जर्स, एक्विजिशंस, बहुत कुछ जब पढ़ाया गया तो आई रियलाइज एंड आई लर्न कि मर्जर कब होते हैं, एक्विजिशंस कब होती हैं, कि इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी जो फर्म्स होती हैं, वो भी अपना बिजनेस नहीं चला पाती। वहां से मेरे को एक और लर्निंग मिली कि मनदीप अगर तेरे पास 5 करोड़ रुपए भी हैं तब भी जरूरी नहीं है कि तू बिजनेस को चला पाएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके एक्विजिशंस होते हैं, मर्जर होते हैं, तो मे बी तू भी एक फर्म, फैक्ट्री कुछ भी खोलेगा, उसका भी मर्जर हो जाएगा और तेरे 5 करोड़ रुपए कहां जाएंगे। आई फील ग्रेट जब मैं रियलाइज करता हूं कि 2009 में मैं ऐसे एक सक्सेस डे में एज ए गेस्ट देखने के लिए पहुंचा कि ये कंपनी क्या है। मैं आपकी तरह एक सीट पे बैठा हुआ था, उस टाइम पे मैं एक बड़े अच्छे एमएनसी में वर्किंग था, पैकेज बहुत ही अच्छा था, 1-1.25 लाख रुपए उस टाइम पे मिलते थे, तो पंजाब में 1-1.25 लाख रुपए मंथली एक अच्छी सैलरी मानी जाती है। मैं खाली देख नहीं रहा था उस सीट पे बैठे हुए, मैं रियलाइज कर रहा था कि ये जो स्पीकर्स बोल रहे हैं ये बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं, बिल्कुल सच है, मैं भी ये कर सकता हूं। और मैंने अपने आप को फील किया कि नेक्स्ट ईयर मैं स्टेज पे जो ये क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं, सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर और फिर कार प्लान, मैं ये अचीव करके वहां पहुंचूंगा। जो पिक्स दिखाई गई, थैंक यू, जो पिक्स दिखाई गई ट्रेवल्स की, ट्रिप्स की, मैंने उनको बड़े ध्यान से देखा, अपने दिमाग में बैठाया कि मेरे को वहां पहुंचना है। ड्रीम्स लिए, ड्रीम्स में बहुत बड़ी पावर होती है, एनकरेजमेंट में बहुत बड़ी पावर होती है। मेरे को एमबीए में बताया गया था अगर आपको लाइफ में कोई 5,000 रुपए का मोबाइल गिफ्ट दे दे, कुछ भी गिफ्ट दे दे, यू शुड नॉट फील हैप्पी। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 5,000 का मोबाइल आपको गिफ्ट मिला, लाइफ चेंज हो गई आपकी, अब पूरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, नो। बट अगर आपको कोई भी इंसान लाइफ में एनकरेजमेंट दे दे, देन यू शुड फील हैप्पी, बिकॉज एनकरेजमेंट इज द बिगेस्ट गिफ्ट।
तो यहां आके आज इनकरेजमेंट मिली, कितना कुछ देखा। सर ने अपनी वीडियो दिखाई 2000 में शुरू हुए और लास्ट में चेक कैसे बढ़ते जा रहे हैं, 3.5 लाख 4 लाख की रेंज में चेक पहुंच रहे हैं, प्लस 2003 से लेके अभी तक इंटरनेशनल ट्रिप्स, इतने जबरदस्त ट्रिप्स मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैंने इस सफर को शुरू किया, जब मैंने सफर शुरू किया इट वॉज अ वेरी टफ कॉल फॉर मी। फादर साहब गजटेड पोस्ट पे थे, बहुत ही जबरदस्त रेपुटेशन थी उनकी वहां पे, हमारी लैंड है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब मैं एक पैकेज पे था, एक MNC में था, अच्छा पैकेज था, 9-10 साल लग गए थे मेरे को वहां पहुंचते हुए उस पोस्ट पे। लोगों के लिए ड्रीम पोस्ट होती है ऐसी, रीजनल हेड फॉर अ स्टेट एंड ऑल। तो मेरे को उसको छोड़ के जब मैंने इसको शुरू किया फॉरएवर को, तो जीरो से जब मैंने शुरू करना था, मेरे लिए बहुत टफ कॉल थी, क्योंकि मेरे को पता था कि अब मैं 1.25 लाख रुपए ले रहा हूं, बट जब फॉरएवर शुरू कर रहा हूं तो मेरा 39 रुपीज का चेक था और मेरे को पता था कि वो आने वाले 6-8 महीने में धीरे 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 बढ़ेगा, बट मेरे खर्चे बहुत ज्यादा हैं। आई हैव कार्स, आई हैव होम, एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें हैं, मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आई एम अ मैरिड पर्सन, आई हैव अ किड, उसकी स्कूलिंग चल रही है, तो फैमिली ऑब्वियसली क्योंकि उनको बहुत ज्यादा केयर होती है हमारी, तो वो भी पीछे पड़ जाते हैं। आप क्या कर रहे हो? डू यू थिंक ये एक येलो बॉटल, ये एक बिजनेस है, ये करोड़पति बना देगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वो सारी नेगेटिविटी। मैं बड़ी स्माइल के साथ उनको आंसर देता था, आप देखते जाओ, आप बात कर रहे हो ना लाख रुपए की या उस सैलरी की, यू सी व्हाट आई डू। जब लोग आपको बोलते हैं ना ये नहीं होगा, हम डर जाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं, अच्छा इन्होंने बोल दिया नहीं होगा, चलो छोड़ दो, क्या करेंगे फिर लाइफ में। मैंने एक ही चीज सीखी, जब एक पर्सन आपको बोलता है ना कि ये नहीं होगा, तो मैं उसको बोलता हूं कि ठीक है आपकी बात बिल्कुल सही है, मे बी आपसे नहीं होगा, यू सी मी हाउ आई डू इट, आप चेक करो मैं कैसे करता हूं इसको। थैंक यू जी। मैंने वही किया, 1.25 साल के अंदर मैंने अपनी सैलरी, जो मेरी मंथली सैलरी थी 1.25 लाख के आसपास, मैं वहां पहुंचा फॉरएवर से, मेरे को ऑलमोस्ट 1.25 लाख का चेक आना शुरू हो गया। मैं मैनेजर बना, सीनियर मैनेजर बना, कार प्लान Level 1 अचीव किया, Level 2 अचीव किया, Level 3 अचीव किया, बहुत सारे लोग टीम में मैनेजर बने, उनकी बहुत ज्यादा सपोर्ट की, बहुत ही ज्यादा। मैंने कभी अपना टाइम नहीं देखा किसी को सपोर्ट करते हुए, किसी ने बोला कि रात के 2 बजे तक बैठ सकता है, आई सेड यस, मैं बैठूंगा तेरे साथ, अगर तुम्हें चाहिए सपोर्ट आई एम देयर टू सपोर्ट। वो करते करते टाइम निकलता गया, चेक 2 लाख का हो गया मंथली, 3 लाख का हो गया, 4 लाख का हो गया, 5 लाख का हो गया, चेक बढ़ता गया मंथली, बढ़ता गया। और लास्ट ईयर मेरे को खाली जो दिवाली बोनस कहते हैं, जब मैं रिलायंस में एज ए रीजनल हेड था तो वहां पे भी दिवाली बोनस मिलता था, हम अपने हाथों से भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे टीम्स को। तो दिवाली बोनस कैसे होते हैं जी कंपनीज में, हमें पता ही कैसे होते हैं, बिस्किट व्हाटएवर है ना, एक बॉक्स जो भी। तो मेरे को याद है मेरे को जो लास्ट कंपनी में दिवाली बोनस मिला वो कोई 18,000 रुपए था जब मैं जॉब में था, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि 18,000 रुपए गुड। और मैं फटाफट 17 सेक्टर चंडीगढ़ पहुंच के वाइफ को लेके उसको शॉपिंग कराई, 40,000 रुपए का खर्चा कर दिया खुशी में कि मुझे दिवाली बोनस मिला। बड़ी एक्साइटमेंट थी कि दिवाली बोनस फ्री का साल के एंड पे मिलता है। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि लास्ट ईयर जो मेरे को दिवाली बोनस मिला, मेरे को अभी 6 साल भी नहीं हुए थे, 5 साल हुए थे लास्ट ईयर मेरे को, तो जो दिवाली बोनस था वो था 84 लाख रुपीज। थैंक यू जी। और उसको भी आप मंथली डिवाइड कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कितना बैठता है, प्लस कार प्लान Level 3 वो साथ में मिलता है, प्लस जो मंथली चेक मिलता है अराउंड 7-7.5 लाख की रेंज में मेरा मंथली चेक रहता है, तो टोटल मैं कैलकुलेट करूं तो अराउंड 16-17 लाख रुपए वो बैठता है, जितना पहले मेरा एक साल का पैकेज होता था। इस साल फिर 97 लाख समथिंग मिला प्लस मंथली चेक। थैंक यू जी। और इसके बीच बहुत सारे जबरदस्त ट्रिप्स मिले, जो सोचा नहीं था उससे भी बहुत ज्यादा पाया फॉरएवर में। और फैक्ट ये है कि फॉरएवर की अभी शुरुआत भी नहीं हुई है इंडिया में। मैं बिल्कुल जब मैं इसको देखता हूं ना फॉरेन में जाके, तो वहां मैं देखता हूं 10,000 cc, 12,000 cc, 15,000 cc, और इंडिया में हम अभी 1500 cc को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, जबकि उनकी पॉपुलेशन, जब मैं पूछता हूं कि आपकी कंट्री में पॉपुलेशन कितनी है तो कहते हैं बहुत पॉपुलेशन है। कितनी है? 1.5 करोड़, 2 करोड़। तो इतने तो मेरे ख्याल हम एक मार्केट में निकल जाएं तो इंडिया में किसी भी मार्केट में इतने लोग खड़े होते हैं, चल फिर रहे होते हैं।
फिर मुझे फील होता है कि सबसे बड़ी मार्केट में हम बैठे हुए हैं, एक चीज की कमी है, वो चीज है एनकरेजमेंट, वो है एक्साइटमेंट। उसका रीजन है हमारा सारा सिस्टम, हम बचपन से ही ऐसे एक सिस्टम में चल रहे हैं जहां एनकरेजमेंट का ओपोजिट किया जाता है। आप कोई भी काम शुरू कर लीजिए, मैं फॉरएवर नहीं कह रहा, कुछ भी शुरू करते हैं तो पहली चीज जो फैमिली बोलती, ये चलेगा काम? यू इमेजिन, जो भी दुनिया का बिजनेस आप सोच लीजिए, आप सोचिए कि आपने शूज की दुकान खोल ली, फट से 40 दोस्त बोलेंगे तू शूज की दुकान खोल रहा है भाई, ये थोड़ी चलेगी। कपड़े की खोल लो, कपड़ा बिकेगा? डू यू थिंक सेल होगा? नो। जो भी आप काम करोगे इंडिया में, आपको, मेरा जो तजुर्बा है वो यही है कि आपको लोग नो ही बोलेंगे। तो फॉरएवर में भी जब नो बोलते हैं ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये देखना है, मे बी उन्होंने ये नहीं देखा हुआ। और जो आपको नो बोलता है उसको आप यहां लेके आइए। ट्रेनिंग सिस्टम जो हमारा बना हुआ है, दैट इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं जब भी फॉरेन जाता हूं, थैंक यू जी, मैं जब भी फॉरेन जाता हूं तो मैं वहां पे पूरी कोशिश करता हूं, वहां उनके जो ऑफिसेज हैं वहां पे जाऊं, उनका लिटरेचर बाय करूं, वहां मैं ट्रेनिंग्स लूं, वो सब कुछ देखूं। और जब भी मैं जाता हूं, जहां भी जाता हूं, मुझे इतना प्राउड फील होता है हमारे जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर कि जितना लिटरेचर हमारे पास है उसका 5% लिटरेचर भी मैंने कहीं नहीं देखा, वैसे ट्रेनिंग सिस्टम मैंने कहीं नहीं देखे। तो ये सारा जो श्रेय है, मेरे जैसे लाखों लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है इंडिया में, और जो सपने भी नहीं होते लोगों के, हम उनसे भी बहुत आगे निकल सकते हैं। 5-6 साल में मैं कर सकता हूं तो आप लोग मेरे से भी बेटर कर सकते हैं, मेरे से भी बड़े ड्रीम आप ले सकते हैं। इन सब का जो श्रेय है वो जाता है हमारे कंट्री मैनेजर को। तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूं सर का, हमारे सारे स्टाफ का, निकिता मैम, शर्मिला मैम, पूरा स्टाफ हमारे, हर आरडीओ में आप देखो दिन रात मेहनत हो रही है हम लोगों की सपोर्ट के लिए। बट अगर आप सोच के देखो, आप अपना बिजनेस करते तो वहां कौन आपकी सपोर्ट करता, वहां कौन सा सिस्टम चल रहा होता, वहां 24 आवर एक ही आदमी होता, वो होते आप। प्रोडक्शन भी आप करते, उसकी सेल भी आप करते, ट्रेनिंग भी आप मैनेज करते, ऑफिस भी आप मैनेज करते, प्रोडक्ट्स का आना जाना सब कुछ आप मैनेज करते। तो आई थिंक कि 24 घंटे में से आप एक सेकंड नहीं होता जो आप मैनेज नहीं कर रहे होते। सोते हुए भी रात को जो बिजनेसमैन है, आई नो, वो सोते हुए भी ना सुबह के ड्रीम्स चल रहे होते हैं, नाइटमेयर्स चल रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है, मेरा वो ट्रक वहां फंसा हुआ है, यहां माल फंस गया है, बारिश आ गई है, ये हो गया, वो हो गया। फॉरएवर में कभी आपको सोचना पड़ता है? हम तो काउंटर से पूछ लेते हैं, हनी है 5 दे दीजिए, ये है इनको दे दीजिए। प्लस हम वहां तक भी नहीं है, दिस मॉडल इज वेरी वेरी अमेजिंग। यहां एक फ्रेंड को मे बी हम 2 बार बताते हैं, 5 बार बताते हैं, बट 6ठी बार 7वीं बार वो खुद बाय करता है, आपको पता भी नहीं होता, बट उसकी सेल का आपको कमीशन उतना ही मिलता है। इसका मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये बिजनेस इतना जबरदस्त है, इतना प्यारा बिजनेस है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, बट आपने जो मेहनत की थी, 5 साल पहले किसी फ्रेंड को बताया था कि हनी बहुत अच्छा है, ये फ्रीडम बहुत अच्छा है, वो अपने लिए बाय करने आता, आपको पता भी नहीं होता, या वो ऑनलाइन बाय कर रहा होता है, उसकी सेल तब भी आपके अकाउंट में जा रही होती है। अब इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, यहां फॉरएवर ने शुरू हुई है अभी, तो बहुत ज्यादा ग्रो होना है। आप में से कौन कौन से लोग ग्रो होना चाहते हैं? क्या बात है, सभी लोग। तो मैं एक ही चीज चाहता हूं, हमारे अंदर एक चीज भरनी है हमने, जो मेरे को कमी लगती पूरे इंडिया में, वो हमने भरनी अपने अंदर, वो है एक्साइटमेंट। जब नए लोग आते हैं तो कई बार मेरे को पूछते हैं कि इतनी क्लैपिंग क्यों होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, मैं ये अंदर से जवाब देता हूं कि इंडिया में वैसे क्लैपिंग करने का मौका मिलता है लाइफ में कभी? कोई खुश है अपने सिस्टम से? मैं बड़ी अच्छी जॉब में था, बट आई वॉज वेरी मतलब अपसेट, बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था मैं जॉब में था जब, तो 24 घंटे वो जॉब का उल्टा बोझ, तो बोझ चलता ही रहता है, तो बड़ा अजीब सी फीलिंग होती थी। दिस इज द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड जहां अंदर से हम एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं, तो क्लैपिंग अपने आप होती है। थैंक यू जी। हमारी बॉडी लैंग्वेज में जान होनी चाहिए, हमारे ड्रेसअप में जान होनी चाहिए, हमें हमेशा एक टॉप बिजनेसमैन की तरह ड्रेसअप होके जाना। फॉरएवर कितनी बड़ी है, देख रहे थे जी हम, 2000 में ज्वाइन किया, 2003 में यूएस में बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं विद फैमिली। अपनी लाइफ नहीं चेंज की, अपनी आने वाली जनरेशंस की भी लाइफ चेंज कर दी। मैं देख रहा था सर के बच्चे बिल्कुल छोटे थे, अब इस वीडियो में लास्ट फोटो में मैं देख रहा था कितने बड़े हो चुके हैं। उन्होंने एक कैसा लाइफस्टाइल देखा,
अब उनकी लाइफ इससे भी आगे जाने वाली है, क्योंकि उनके ड्रीम्स बहुत बड़े हो चुके हैं, उनके लिए एक अलग दुनिया खुल चुकी है। आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को कैसी लाइफ देना चाहते हैं? ड्रीम लाइफ देना चाहते हैं? तो थोड़ा हमें तगड़े होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा कुछ लोगों को, कुछ चैलेंजेस को, नो को फेस कर सकते हैं क्या लाइफ में? वैसे फेस नहीं करते हम, हर जगह करते हैं, बट जब फॉरएवर में तीन लोग बना करते हैं, कहते हैं जी नहीं, फॉरएवर नहीं चलेगी, फॉरएवर चल रही है। आपके सामने सैकड़ों लोग ग्रो हो रहे हैं, मिलेनियर बन रहे हैं, कारप्लान आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। डिसाइड आपने करना है कि इस ग्रोथ का पार्ट आपने बनना है या नहीं। ये जो अमेजिंग लाइफ लोग अपनी चेंज किए जा रहे हैं, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, इतने बड़े बड़े चेक आ रहे हैं, और मैं फैक्ट बताता हूँ, ये चेक बहुत छोटे हैं। आने वाले टाइम में आप चेक देखना कैसे चेक आएंगे। और हम कई बार क्या करते हैं, एक आदमी फेलियर होता है, हम उसको देख के स्टॉप कर देते हैं कि ये फेल हो गया। क्या लाइफ में वैसे फेलियर नहीं है? हम फॉरएवर का एक फेलियर देख लेते हैं, जिसने किया था नहीं चला, या व्हाटएवर जो भी रीजन था, ये नेगेटिव, इससे हम भी नेगेटिव होके काम छोड़ देते हैं या ढीले हो जाते हैं। जब आप 10th कर रहे थे या जो भी ग्रेजुएशन कर रहे थे, क्या उसमें कोई फेलियर नहीं था? उसको देख के हमने अपना करियर छोड़ दिया, स्टडीज छोड़ दी, ऐसे होता है। बट फॉरएवर में कई बार गलती कर लेते हैं। अगर फॉरएवर में देखना है ना, फॉलो करो, मैं कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा फॉलो नहीं करना चाहिए, बट आप मेरी बात लिख लेना कि फॉलो किसको करना है। फॉलो करना है ना, तो रॉल्फ किप को कीजिए, उसका चेक देखिए, 7-8 करोड़ रुपए का चेक मिलता उसको, दुनिया भर के पता नहीं कितनी गाड़ियां उनके पास, और सबसे जो बढ़िया चीज है ना उनके पास, वो है उनका रियल लाइफ स्टाइल। पता नहीं कितनी कंट्रीज में उनके अपने घर हैं। सबसे बढ़िया चीज उनके पास रोल्स रॉयस है। रोल्स रॉयस के ऊपर न्यूज आती रहती है। वो ऐसी गाड़ी है कि इंडिया के कुछ फिल्म स्टार्स को मना कर दी जाती है कि नो, आपको नहीं मिल सकती। एक फिल्म स्टार को नहीं मिल सकती, बट फॉरएवर के एक डिस्ट्रीब्यूटर को मिलती है। प्राउड फील होना चाहिए। थैंक यू जी। हम जब इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है हम क्या शेयर कर रहे हैं। कई बार हम खुद बड़ा पुअर सा होके बंदे से पूछते हैं, सर आपको ठीक लग रहे हैं, आप भरेंगे फॉर्म? वो कहता है नहीं। आपको बताना उसको कि सर ये प्रोडक्ट मे बी आज आपको समझ नहीं आ रहे, बट दीज आर दी वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोडक्ट, आज से 2 महीने के बाद आप खुद ढूंढोगे, ये मेरा नंबर रख लीजिए, ये मेरा कार्ड रख लीजिए, यू विल फील ग्रेट जब आप इसको पढ़ोगे, जब इस कंपनी को स्टडी करोगे, जब आप मेरा प्रोडक्ट यूज करोगे, यू विल फील प्राउड कि इंडिया में रहते हुए आप इतने अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में जान पाए, उनको यूज कर पाए। आपको नहीं यूज करना, किसी फ्रेंड को रिकमेंड कर दीजिए, पूरी जिंदगी आपको थैंक यू बोलेगा। किसी को बिजनेस चाहिए होगा, किसी को अपॉर्चुनिटी चाहिए होगी, इंडिया में 99% लोगों को करियर अपॉर्चुनिटी चाहिए, आप मेरा कार्ड दे दीजिएगा उसको, थैंक यू जी। जब इस पैशन के साथ बताएंगे, दुनिया में कोई बंदा नहीं होगा जो आपका कार्ड बोलेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए। हर बंदा बोलेगा कि सर किसी को छोड़ो, मेरे को दो करियर अपॉर्चुनिटी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब मैं अपने साथ इतने ज्यादा सीनियर लेवल के, जिनका जो पैकेज है साल का 1.5-1.5 करोड़ की रेंज में होता है, मैंने उनको भी इन्वॉल्व किया, क्योंकि मेरा भी जब मैं पैकेज काउंट करता हूं तो 1.7 करोड़ के आसपास एनुअल बैठता आज। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो बहुत ज्यादा सीनियर लेवल पे थे वो भी खुद आए हैं। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी का असली लेवल क्या है। और ये भी स्टार्टअप है, आने वाला लेवल तो हम असली लेवल जो है वो मेरे को लग रहा है कि आने वाले 3-4 साल में हमें पता चलेगा, जब इंडिया में बहुत सारे लोग 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार सीसी करेंगे, तब हमें असल में पता चलेगा कि फॉरएवर से हम कितने बड़े बड़े दिवाली बोनस, मंथली चेक, कितने कितने कार प्लान, फॉरेन टूर्स, ये सब ले सकते हैं। बात लास्ट में फिर आ जाएगी, आपका फोकस क्या है, आपके अंदर एक्साइटमेंट कितनी है, आपने अपने आप को कितना चेंज किया। फॉरएवर इज वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेटफॉर्म, फॉरएवर हैज वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोडक्ट्स, बट क्या आप, थैंक यू जी, क्या आप उसको बेस्ट तरीके से प्रमोट कर रहे हो? कई बार मैं देखता हूं, मैं सबको ये एडवाइस जरूर देना चाहता हूं, वी आर इनटू वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस, बट हम लगने भी चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं, एक फ्रेंड को देने गया हूं मैं प्लान, बिजनेस प्लान, तो मैं चप्पल पहन के, गंदे से कपड़े पहन के पहुंच गया हूं, उसको कह रहा हूं कि सर ये 25 रुपए का फॉर्म फिल कर दो, आप करोड़पति बन जाओगे।
वो फॉर्म नहीं देखेगा, प्रोडक्ट्स नहीं देखेगा, सिर्फ चप्पल से शुरू होगा ऊपर तक और बोलेगा ये जरूर बनाएगा करोड़पति। वो फॉर्म फिल नहीं करेगा। 90% काम हमारी पर्सनैलिटी करती है जो हम चेंज कर सकते हैं। ड्रेसअप सबके हाथ में, सब चेंज कर सकते हैं। मैं अभी थोड़े दिन पहले अपनी टीम को ट्रेनिंग दे रहा था तो मैं उनको बता रहा था, मैंने ना एक सूट बाय किया था जब मैंने फॉरएवर शुरू किया, वो सूट आज भी बिल्कुल फ्रेश न्यू पड़ा हुआ है, बट मैं करोड़पति बना चुका हूं, बन नहीं चुका हूं, बना चुका हूं टीम में बहुत सारे। तो कहने का मतलब ये है कि हम सब अच्छा ड्रेसअप बाय कर सकते हैं। 90% लोगों के पास तो होगा ही, सिर्फ उसको यूज करना। कई बार हम थोड़ा लाइटली ले लेते हैं इन चीजों को कि दो चार टीम मेंबर्स को मिलना है, कोई इशू नहीं है। सबसे पहली चीज जो देखी जाती है हमारे शूज से शुरू होता है। एक आदमी देखना हमें ऊपर की तरफ जाता है, 90% जजमेंट वहां से कर लेता है कि ये बिजनेस में सक्सेसफुल खुद है या नहीं। अगर आप खुद सक्सेसफुल नहीं नजर आ रहे तो वो आपका हाथ पकड़ेगा, उसको अंदर से लग पाएगा कि आप मतलब उसको कहीं करोड़पति बनाने वाले हो। बट अगर आप चेंज हो चुके हो, आप इंप्रूव हो चुके हो, आपकी पर्सनैलिटी में उसको एक चेंज नजर आता है, तो वो खुद बोलेगा सर आप क्या करते हो, मुझे भी कुछ ऐसा करना है, आपके जैसा लाइफस्टाइल मेरे को भी चाहिए, मैं भी ये चेंज चाहता हूं अपने में। हमें अपने आप को चेंज करना है, पैशन रखना है अपने अंदर, और सिस्टम का पार्ट बनना है। सिस्टम बना हुआ, आपने कुछ नहीं करना, सिस्टम पहले से बना हुआ है, सारी ट्रेनिंग, सारे स्केड्यूल्स बने हुए हैं अलग अलग जगह पे, जो भी ट्रेनिंग्स हैं ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है, उसका बेनिफिट लेना। बहुत सारी अपनी वेबसाइट्स हैं, डिस्कवर फॉरएवर पे सब कुछ पड़ा हुआ, कोई मेरे को लगता नहीं कि अपलाइन सब कुछ करेगी और तब काम चलता है। और सर ने तो और कमाल कर दिया कि अपलाइन के लिए भी, क्योंकि कई लोगों की थोड़ी बहुत होती है कि जो मेरे को अपलाइन से पूरी ऐसी सपोर्ट नहीं मिलती व्हाटएवर, सर ने उसके लिए भी एक बुक प्रिंट करके दे दी है जो आप 24 घंटे साथ में रख सकते हैं। एंड दैट इज सो अमेजिंग, वो बुक इतनी ज्यादा पावरफुल है, उसका एक पेज पढ़ लो ना तो मजा आ जाता है, इतनी जबरदस्त बुक। बट फिर बात वही आती है कि क्या आप में पैशन है, क्या आप उसको प्रमोट करते हैं। मैं अपनी टीम में इतना ज्यादा लिटरेचर प्रमोट करता हूं, मैं बयान नहीं कर सकता। मैं रॉयल से बात कर रहा था, वो कहता है कि मेरे को लगता है कि 90% आप ही यूज कर लेते हो। बेसिकली क्या है, थोड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं, थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है, लोगों को बताना पड़ता है, थोड़ा सा दम लगाना पड़ता है। दम लगाएंगे तभी लाइफ चेंज होगी, अदरवाइज चेंज भी नहीं होगी। अदरवाइज लोग 40 साल काम करते रहते हैं, बट 40वें साल भी मैंने देखा लोग रिटायरमेंट के टाइम पे भी, रिटायर होने के बाद भी सर्च करते हैं एक छोटी सी फिर दोबारा जॉब। कैन यू इमेजिन दिस कंडीशन, कितनी पुअर कंडीशन है। मेरे को बड़ा तरस आता है ऐसे लोगों पे जब मैं देखता हूं कि उन्होंने 60 साल काम किया, जिस दिन जॉब खत्म हो रही है उससे एक महीना पहले उनकी टेंशन शुरू हो जाती है कि मेरे को अब काम क्या करूंगा मैं, मुझे काम चाहिए क्योंकि मेरे रोटी पानी और खर्चे बढ़ चुके हैं और मेरे को उसके लिए चाहिए। बट फॉरएवर में आप 7-8 साल जो भी आप सोचो, दैट इज अप टू यू, आप जितना ड्रीम चाहो आप ले सकते हो। आप अपने नहीं, आप करोड़ों लोगों के 7-8 साल में सपने पूरे कर सकते हो। आप यस, आप खाली अर्न की बात नहीं कर रहा, मैं अपने पैसा कमाने की बात नहीं कर रहा, आप 5-6 साल के बाद चैरिटी करना शुरू कर सकते हो, इतनी जबरदस्त पावर है फॉरएवर लिविंग में। मैं बयान नहीं कर सकता फॉरएवर में क्या क्या हो रहा है। सुनील गुप्ता जी की वीडियो आपने देखी होगी, वहां से पता चलता कि वो खाली अपने लिए नहीं, पता नहीं कितने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। नेपाल में अभी बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, मैं सोच ही रहा था कि इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। हम कुछ टीम में हमने मैसेज डाले जो मेन मेन लीडर्स थे कि हम कुछ शेयर, कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, और उतने में सुनील गुप्ता जी की एक मेरे को पिक आई उनकी कि आज उन्होंने एक बहुत बड़ा चेक काट के डोनेशन के लिए दिया। सो आई फील प्राउड कि हम एक ऐसे सिस्टम का पार्ट हैं जहां आप खाली अपने लिए पैसा कमाना नहीं सीखते, आप लोगों की मदद करने के भी काबिल बन जाते हैं। तो ये इतना जबरदस्त, इतना बड़ा सिस्टम है कि यहां आप खाली अपनी फैमिली नहीं, आप अपनी पूरी टीम, इस समाज की लाइफ चेंज कर सकते हैं। बट डिसीजन किसने लेना होगा? हमने। हमारे अंदर दम है या नहीं है? भगवान ने अलग अलग बनाया हुआ है ना, किसी में दम डाला है, किसी में नहीं। कहते हैं कि मेहनत करने का फल मिलता है, और फल कौन देता है? भगवान। वो अपलाइन नहीं देती, डाउनलाइन नहीं देती, ये दुनिया नहीं देती। हमारे मेहनत का फल कौन देता है जी? वो भगवान, वो अल्लाह, वो वाहेगुरु। वो किसी से पार्शियलिटी कर सकते हैं? कभी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम दबा के हार्ड वर्क करेंगे उसका रिजल्ट आना ही आना, क्योंकि उसका फल आप, मैं या ये दुनिया नहीं दे सकती,
फल भगवान ने देना है, हम मेहनत दिल से करें। फॉरएवर को करना है ना तो दिल से करें, बाहर से नहीं, टाइम पास से नहीं। और मैं फैक्ट बताता हूं, जो लोग प्रोडक्ट की अहमियत को समझ लेंगे ना, मैं भी प्रोडक्ट यूज करने के लिए आया था, 6.5 महीने के बाद मेरे अंदर से आवाज आने लगी कि दिस इज द बेस्ट बिजनेस, क्योंकि बिजनेस मैं लाइफ में करना ही चाहता था। 6.5 महीने प्रोडक्ट्स यूज किए फादर साहब के ऊपर, मदर के ऊपर, अंदर से आवाज आई कि इससे बढ़िया प्रोडक्ट नहीं हो सकते, इससे बढ़िया सिस्टम नहीं हो सकता। और उसी के आसपास ही मैंने, दिसंबर के आसपास का टाइम था जब फर्स्ट टाइम सक्सेस डे हुआ, जब मैंने सर को सुना, तो जब मैंने इनको देखा एकदम से क्लैरिटी मिली कि इतनी जबरदस्त कंपनी, और हमारे जो इंडियन जो हेड हैं, ही सो क्लियर, सच अ मतलब अमेजिंग पर्सन, उनके अंदर से ही आवाज निकलती है, वो एक सच्चाई एक इंसान के अंदर जो वो एकदम खुल के बाहर आती है। तो मैं एकदम फॉरएवर का ही होके रह गया, उसके बाद मैं कुछ सोच ही नहीं पाया। बहुत नेगेटिविटी थी फैमिली में, बहुत चैलेंजेस थे, बहुत कुछ कहते थे, लाख रुपए की सैलरी छोड़ दी, ये वो 16-17-18 लाख रुपए साल के कमाते हो। तो आज मुझे प्राउड फील होता है कि आज मैं साल का 1,80,00,000 रुपए कमाता हूँ, और जितना 10 साल में कमाना था उतना 1 साल में कमा लेता हूँ। और आज मेरी फैमिली प्राउड फील करती है, उनको दुनिया में कोई भी पर्सन मिल जाता है ना कहीं पे भी, उसको ये बोलते हैं कि जिंदगी में कुछ करना है ना तो ये इनका नंबर ले लो, इनसे बात कर लो, फॉरएवर लिविंग से ऊपर दुनिया में कुछ नहीं है। थैंक यू जी। आज आपको अपने ड्रीम्स जगाने हैं, ड्रीम्स लेने हैं बड़े बड़े। कई बार हम टारगेट नहीं बनाते, कोई ड्रीम्स नहीं बनाते, टारगेट बनाना चाहते हैं। कल मेरी ट्रेनिंग भी है, उसमें मैं और डीपली बताऊंगा पूरा अच्छे से कि टारगेट कैसे बनाना है, कैसे अचीव करना है। प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं आपको या टीम को, फिर जब चैलेंज आता है, जब प्रॉब्लम आती है, तब सब गायब बिजनेस है ना, कुछ ऐसे होता है ना। आपको बताता हूं टारगेट क्या होता है, किस लेवल पे सेट करते हैं। अर्जुन जब तीर चला रहा था तो उसका टारगेट क्या था, आंख, मछली की आंख। हाँ जी, क्या बात है। उसका टारगेट अगर मछली की आंख होता ना तो तीर कभी नहीं लगना था। हमारा भी टारगेट कई बार ऐसे होता है, मछली की आंख, इसलिए वो नहीं लगता। उसका टारगेट मछली की आंख नहीं था, उसका टारगेट था द्रौपदी, कि अगर तीर वहां लगेगा तो मुझे द्रौपदी मिलेगी। क्लियर। हम फॉरएवर में, थैंक यू जी, हम फॉरएवर में आते हैं, पूरी क्लैरिटी नहीं लेते। हमारा अगर टारगेट एंड पे क्लियर है ना कि हमें कैसी लाइफ, हमारी फैमिली कैसी हो जाएगी, उसके बाद हमारे टीम की लाइफ कैसी हो जाएगी, जब ये क्लैरिटी मिल गई तो कोई और चैलेंज नजर नहीं आएगा। क्लियर है जी। तो हमने अपना जो टारगेट बनाना ना, वो बिल्कुल जो बैक एंड पे, जो पूरा हमारी लाइफ चेंज करने वाला है, कार प्लान लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, डायमंड मैनेजर, सेंचुरियन मैनेजर, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए हमारे बैक एंड पे, वो टारगेट होना चाहिए। वो आपको जब वो नजर आएगा तो फोकस जो बाकी चीजों पे हो रहा था ना, वो सारा डीफोकस हो जाएगा, सारा फोकस उस पे हो जाएगा। जब उस पे फोकस होगा तो कोई परेशानी नजर ही नहीं आएगी आपको, जब उस पे फोकस नहीं है तो सिर्फ परेशानियां इधर उधर। तो अपना फोकस क्लियर कीजिए, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स बनाइए, ड्रीम्स बड़े कर लीजिए, क्योंकि ड्रीम्स हम सबके हाथ में। एक आम आदमी ड्रीम्स लेके मेहनत करके ग्रो हो जाता है। तो आज आपने डिसाइड करना है कि आपने बड़े ड्रीम्स लेने हैं या नहीं, ग्रो होना है या नहीं, अपनी लाइफ, अपनी टीम की लाइफ चेंज करनी है या नहीं। हमारे ऊपर एक स्टैंप तो बचपन से लगी होती है, इंडिया में अंदर से फीलिंग आ रही होती है कि मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। यस, वो स्टैंप अंदर से, वो टैग लगा हुआ बचपन में, टीचर ही लगा देते हैं ना, तू क्या करेगा, फिर फ्रेंड्स कहते हैं तू कहां से कर लेगा, तो वो टैग लग जाता है कि मैं जिंदगी में बहुत ज्यादा बड़ा कुछ नहीं कर सकता। तो टाइम पास के लिए जॉब, टाइम पास के लिए ये बिजनेस वो बिजनेस, मैं आपको बताना चाहता हूं देयर इज अ स्टैंप जो लगती नहीं है, जो बाय करनी पड़ती है, जिसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। और वो स्टैंप पता नहीं दुनिया के लिए, दिखावे के लिए जरूरी है या नहीं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बड़ी जरूरी है। मैं अपनी टीम को यही ट्रेन देता हूं, कल भी मैं ट्रेनिंग दे रहा था अपनी टीम को, मैं यही कह रहा था देयर इज वन स्टैंप विच यू हैव टू बाय। मैंने वो बाय करनी है, मैं उसके लिए अपने ड्रीम बनाता हूं, उस स्टैंप का नाम है चैंपियन। मेरे पे टैग लगा हुआ अंदर से कि मैं जिंदगी में बहुत बड़ा नहीं कर सकता, बट मैंने वो स्टैंप बाय करने के आया, मैं चैंपियन फॉर माय नेक्स्ट जनरेशन। मेरा बेटा जब मेरे को देखे उसको प्राउड फील होना चाहिए कि यस, मेरे फादर ने एक अच्छा काम किया,
उसने मेहनत की। थैंक यू जी। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप वो चैंपियन की स्टैंप बाय करेंगे, नहीं तो दूसरा टैग तो है ही है, फैमिली वो तो बोलेगी, रिलेटिव्स भी बोलेंगे। तो आपने अगर चैंपियन की स्टैंप बाय करनी है तो आज अपने आप को मैसेज दीजिए, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, दुनिया नेगेटिव बोले, दुनिया पॉजिटिव बोले, दुनिया पता नहीं क्या कुछ करती रहेगी, आपने डिसाइड करना है कि आपके यहां क्या लिखा होना चाहिए, कैसी फीलिंग आनी चाहिए। जब आप अपने बारे में सोचो, एक ही फीलिंग आनी चाहिए, चैंपियन, आई एम अ चैंपियन। और चैंपियन बहुत बार गिरता है, बहुत चोट लगती है, सब कुछ होता है। कोई भी आप गेम ले लीजिए, चाहे सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, ही इज गॉड ऑफ क्रिकेट, पूरी दुनिया उनके ऊपर बुक्स लिखती है, बट हम उनका वो पार्ट नहीं देखते। अराउंड 30+ उनकी सर्जरीज हुई हैं बॉडी की, जब वो खेलते हैं तो बहुत सारी चोटें लगती हैं, बहुत बार गिरते हैं, छिलते हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है। तो वो सारी चीजों के बाद आदमी बनता है चैंपियन। तो अगर आपने भी चैंपियन बनना है तो छोटा मोटा जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार हम गिरते हैं, संभलते हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको साइड पे कर दीजिए। कई बार हम फोकस उन पे कर लेते हैं कि मैंने शुरू किया था, ये हो गया, अब तो नहीं होगा। कई बार लोग बोलते हैं मैं फॉरएवर आया हूं तो मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो टायर तो पूरी दुनिया के उनके भी पंचर हो रहे हैं, वो 150 करोड़ लोगों के जिनको फॉरएवर का नाम भी नहीं पता। रिलेट करना है, आपने किसी पर फोकस करना है तो एक ही चीज है, आपका ड्रीम। किसी को फॉलो करना है तो रॉल्फ किप, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, अगर आप अपने ड्रीम्स पे फॉलो करेंगे, दुनिया की कोई प्रॉब्लम आपको परेशान तो क्या, आपको नजर भी नहीं आएगी, भूल जाएंगे आप। थैंक यू जी। कई लोग कहते हैं जी मेरे हालात ठीक नहीं है, मैं कर तो सकता हूं, करना तो चाहता हूं, मेरे हालात ठीक नहीं है। तो मैं, मेरा एक डायलॉग है जो मैं अपनी टीम को, मेरे सारे टीम मेंबर्स को रटा हुआ है, मैं चाहता हूं आप लोग अगर उसमें से कुछ पावर ले सकें तो जरूर उसका बेनिफिट लीजिए। एडवर्सिटी कॉज सम मैन टू ब्रेक, बुरे हालात कुछ आदमियों को तोड़ देते हैं, एंड अदर्स टू ब्रेक रिकॉर्ड्स, और बाकी लोग बुरे हालात में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। डिसाइड आपने करना, टफ टाइम्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स बोल देते हैं क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, अब भी वो यही बोलते हैं भाई क्या कर रहे हो, क्योंकि अब टाइम चेंज हो गया, 5 साल बीत चुके हैं। अब मैं फेसबुक पे एक फोटो डालता हूं, इतना बड़ा चेक, तो कहते इतने पैसे मिलते हैं, साथ में मैं अपने बैंकर का नंबर लिख देता हूं, मिस्टर अनुज ब्रांच हेड इंडियन बैंक, उनका कॉन्टैक्ट नंबर उनसे पूछ ले भाई, स्टेटमेंट साथ में भेज देता हूं, फिर कहते हैं वाओ अमेजिंग। तो आपके पास पावर बहुत जबरदस्त है क्योंकि आप FLP का पार्ट हैं। हमें अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, अगर फॉरएवर को करना है, फॉरएवर नहीं, दुनिया का कोई भी काम, जो भी दुनिया के किसी काम में सक्सेसफुल हुआ है उसने उसको दिल से किया। क्या आप फॉरएवर को दिल से कर रहे हैं या आगे करेंगे? अगर आप आगे करना शुरू कर देंगे तो आज से आपका सफर, आप लगा लीजिए, जीरो से शुरू हो गया, और आने वाले 6 महीने में बड़ा जबरदस्त चेंज देखेंगे आप, 2-3 साल में वो सारे लेवल, थैंक यू, जो दिखाए गए हैं यहां पे वो सारे आप अचीव कर सकते हैं। और टारगेट बहुत बड़े बना लीजिए, ड्रीम्स बहुत बड़े बना लीजिए, और एक ही चीज है जो उन ड्रीम्स को पूरा करेगी, वो है हार्ड वर्क। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। भगवान को याद रखें, काम इस तरीके से करें कि वो भगवान हमेशा खुश रहे। तो वो एक ही तरीके से रह सकता है कि आप जो कंपनी के जो सिस्टम्स हैं उनको अच्छे से फॉलो करें, लोगों की हेल्प करें। जब आप लोगों की हेल्प करते हैं तो दुनिया के जितने धर्म ग्रंथ हैं उनमें लिखा हुआ है कि वो भगवान आपको सब कुछ देख रहा होता है, तो एक एक चीज का हमें वो पूरा हिसाब मिलता है। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको बहुत अच्छा जो है उसका फल मिलना ही मिलना है, वो तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, आपका भी नहीं है, वो भगवान है। तो जब आप अच्छे कर्म करते हैं, दिल से मेहनत करते हैं, जो आदमी सुबह निकला हुआ है कि मैंने 7 बजे होम मीटिंग करनी है, रात के 10 बज चुके हैं, उसने खाना नहीं खाया हुआ, होम मीटिंग कर रहा, प्लान कर रहा, कुछ भी कर रहा है, आप देखेगा 3 साल के बाद उसका चेक बहुत बहुत ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि वो भगवान उसको देख रहा है। बहुत सारे लोग उसको मना कर सकते हैं,
बट भगवान को कोई मना नहीं कर सकता उसको देने के लिए। तो फिर उसको अपने जैसे ही डायमंड मिलते हैं, अपने जैसे ही 10-15 बंदे मिल जाते हैं जो रात के 2 बजे भी प्लान देते हैं, तो उसका बिजनेस एक दिन में इतना होता है कि जितना शायद एक महीने में भी पॉसिबल नहीं होता। आपने सिर्फ डिसाइड करना है, हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क के बिना दुनिया का कोई काम नहीं होता। कई लोग कहते हैं फॉरएवर में हार्ड वर्क है, दुनिया का कोई काम नहीं है जिसमें हार्ड वर्क नहीं है। जॉब में इससे कहीं ज्यादा हार्ड वर्क है, बिजनेस में इतना ज्यादा है, शायद आप कह लीजिए 500 गुना ज्यादा। इतनी सरदर्दी है, आप कोई छोटा सा बिजनेसमैन आप 3 दिन उसके पास बैठिए, यू विल बी शॉक टू नो कि उसके पास कितने प्रोडक्ट हैं, कितनी लिस्ट वो डेली बनाता है कि आज इतने प्रोडक्ट कम हुए, इतने सेल हुए, इतने और लाने, इतने में मिलावट मिली, इतने खराब निकले, इतने वेस्ट हो गए, पता नहीं क्या कुछ होता है। फॉरएवर इज द ईजिएस्ट बिजनेस ऑन दिस अर्थ, फॉरएवर इज द बेस्ट बिजनेस ऑन दिस अर्थ। And you are the best people on this earth. You are the most lucky person जिनको आज invite किया गया। अगर आप यहाँ बैठे हैं ना, तो आप ऐसे नहीं बैठे हैं, आपके अच्छे कर्म हैं, तभी आपका कोई friend आपको invite करके इतनी जबरदस्त opportunity में लेके आया है। आप मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, challenges आएंगे, उनको स्वीकार कीजिए, दुनिया उसके बाद आपको स्वीकार कर लेगी, दुनिया आपको उसके बाद अपना आइडियल बना लेगी, आपको फॉलो करेगी, आपके प्लान को आगे दिखाना शुरू कर देगी, आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। मेरी तरफ से इतना ही। मन तो बहुत कर रहा है कि बहुत कुछ बताऊं, बहुत कुछ बोलूं, बट मुझे यही लग रहा है कि कल जल्दी से जल्दी आप लोग तैयारी कर लीजिए, अपने नोट पैड, अपने पेन, सारी चीजें लेके आइए, ताकि मैं आपको और गाइड कर पाऊं कि टारगेट कैसे मैं कैसे बनाता हूं। क्योंकि हमें MBA में 2 साल यही सिखाया गया, टारगेट कैसे बनाने हैं, कैसे उनको डिवाइड करना है, कैसे उनको अचीव करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे डीफोकस करना है, और किस चीज़ पे फोकस रखना है, किस चीज़ पे कंट्रोल करना है। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अचीवमेंट अभी शुरू हुई हैं, ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े ड्रीम्स हैं, जल्दी मैं आपको वो पूरे करके भी दिखाऊंगा। पर्पस शेयर करने का एक ही है कि आप लोग भी बड़े ड्रीम्स लीजिए, आप मेरे से भी बड़ी अचीवमेंट्स कर सकते हैं। आपके सामने 15 साल से लोग इसको कर रहे हैं, 15 साल से फॉरएवर बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, और फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इस इंडस्ट्री में पहले से भी ज़्यादा बेटर लोग आ रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की जो रेपुटेशन पहले छोटी मोटी कंपनीज ने बना रखी थी, वो 1000 गुना बेटर हो रही है, हर रोज़ बेटर हो रही है, बेटर हो रही है, बढ़िया हो रही है। अब अच्छे अच्छे लोग इसमें आना चाहते हैं। सिर्फ एक ही पर्सन है जिसको इम्प्रूव होना है, वो है हम। हमें इम्प्रूव करना है अपने आप को, ताकि हम दुनिया को इसके बारे में अच्छे से बता पाएं। एक प्लान शो करने का तरीका जो है वो तो है ही है, बट उसको बेस्ट वे में कैसे शो करते हैं ये हम सीखें। उसके लिए नेट पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, बॉम्बे में तो बहुत ही ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। जब मैं जॉब में था AIG में, तो मैंने यहाँ से कोर्सेज किए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारी अकेडमीज हैं जहाँ से आप कोर्सेज करके अपने बिजनेस को कई गुना ज्यादा फास्ट स्पीड पे दौड़ा सकते हैं, क्योंकि आप में चेंज आता है, तो चेंज आने से लोग आपको ज्यादा अच्छा रिस्पांस देते हैं। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, जल्दी मिलते हैं जी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच सर।